अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीनास कुकिंग एंड ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइनिंग वाले लॉन के सूट। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है और ईद पर ख़वातीन जो हैं वो इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे कपड़े बनाएं जो कि आप किचन में काम भी करें और आपको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बाज़ार में कढ़ाई वाले और बहुत ज़्यादा पैचेस वाले सूट हैं वो बिल्कुल भी ईद पर नहीं पहने जाते। तो कोशिश करें कि सिंपल खूबसूरत प्रिंट पहने तो वो देखने भी खूबसूरत लगते हैं और आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती उन कपड़ों में। पहला ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये निशाद लीलन से ख़रीदा है, बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है, छोटा छोटा सा प्रिंट बना है, थोड़ा सा बॉर्डर है और शलवार पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई गई है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई गई क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने जाते। अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले सूट पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। शर्ट का प्रिंट जो है बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती जो है वो इस ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में है। दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है, बेहद खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर हैं। आजकल ये है कि जो लॉन के सूट हैं उनके साथ दुपट्टे बेहद खूबसूरत मिलते हैं। साथ मैंने किरण लेस लगवाई है जो दुपट्टे को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है, और साइडों पर एक ये और लेस है ये लगवाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ऐसी अच्छी और खूबसूरत वीडियो देखने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अपना दूसरा सूट जो कि डार्क ब्लू कलर में है और इस पर बहुत ही खूबसूरत टसल लगवाए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जकार्ड का सूट है, इसका गला भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आजकल ये वाला जो गला है काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और साथ लगवाए हैं बहुत ही खूबसूरत से टसल। ये जो सूट है ये टू पीस है और बहुत ही खूबसूरत है, जकार्ड का सूट है और इसकी लॉन का जो कपड़ा है बहुत ही शानदार है। इस पर ज़्यादा काम नहीं करवाया क्योंकि ये सूट वैसे ही काफ़ी खूबसूरत है, तो बस इस पर मैंने तीन टसल लगवाए हैं सामने और साथ इस पर जो दामन और चाक है उस पर गोल्डन कलर की पाइपिंग करवाई है। जकार्ड के इस खूबसूरत प्रिंटेड सूट के साथ मिली है ये बहुत ही खूबसूरत सी कॉटन लॉन की शलवार है जिस पर दरमियान में लेस लगवाई गई है और साथ में ये जो प्लेट हैं ये डलवाए हैं, तीन ऊपर हैं और तीन ही नीचे हैं। आप चाहें तो ट्राउज़र भी बना सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसका कलर है डार्क ब्लू में। बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड निशात लीलन से ये ग्रीन कलर का सूट खरीदा है जिस पर शीशे के ये बटन जो हैं ये लगवाए गए हैं। ये शीशे के बने बनाए ही बटन होते हैं, आप चाहें तो इसे दामन चाक बाजुओं पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें गले पर इस्तेमाल किया है जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इसका गला भी बहुत अच्छा बना है और इस सूट का प्रिंट भी बेहद खूबसूरत है और इस पर लगवाई गई है ये लैस, बहुत ही खूबसूरत है इसकी लैस। इसकी लैस मुझे बेहद पसंद आई है, जैसी के मॉडल में पहनी थी उससे मिलती जुलती लैस ही हमने इस पर लगवाई है। निशात लीलन का ये सूट ये भी टू पीस है, इसके साथ हमने शलवार का अलग से कपड़ा ख़रीदा है और इस पर हमने ये बहुत ही खूबसूरत सी लैस लगवाई है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। आजकल बाज़ार में आप जैसा कि जानते हैं आप जिस डिज़ाइन में आप उन्हें दिखा दें कि हमें इस तरह की चाहिए जैसे कि मॉडल ने पहनी थी वैसी लैस ही हमने लगाई है ताकि सूट जो है बहुत ही खूबसूरत लगे। और साथ में शलवार का जो अलग से कपड़ा लिया है उस पर टिशू का कपड़ा लगवाकर ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनवाया है। ये जो अलग से इसका शलवार का कपड़ा ख़रीदा है ये भी निशात लीलन से ही ख़रीदा है क्योंकि जब हमने शर्ट और दुपट्टा ख़रीद लिया था तो इसका कलर और कपड़ा किसी और शॉप से नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने निशात लीलन से ही इसके शलवार का कपड़ा ख़रीदा है। और साथ है ये बहुत ही खूबसूरत सा शिफोन का दुपट्टा है, इस पर भी साइडों पर छोटी लैस लगवाई गई है और पूरा लुक आप देखें सूट का कितना खूबसूरत और नफीस इसका प्रिंट है।
बैक साइड का जो शर्ट का प्रिंट है वो भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अब आ गया है वीडियो में चौथा सूट, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। ये थ्री पीस सूट है, ये भी जकार्ड का है, इस पर भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई गई, बस सामने बटन लगाए हैं और इसके दामन और चाक पर सिर्फ पाइपिंग ही करवाई गई है, क्योंकि ये सूट वैसे ही काफ़ी खूबसूरत है। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा हैवी लेस लगवाते तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि गर्मियों में ज़्यादा हैवी कपड़े जो हैं वो पहने हुए मुझे तो खूबसूरत नहीं लगते, थोड़े से लाइट हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो सादा है, इस पर भी लेस लगवाई गई है, थोड़ी सी बारीक वाली ऊपर लेस लगाई है, थोड़ी सी नीचे लगाई है और तीन अदर इसमें प्लेट डाले गए हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और साथ इसके बहुत ही खूबसूरत जकार्ड का ब्लैक कलर का दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी हमने ये बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग करवाई है जो कि मशीन से करवाई जाती है। और अब आ गया है पांचवा सूट जो कि मैरून कलर में है। ये जो कपड़ा गले पर आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये साथ एक्स्ट्रा मिला था, इसको लगवाया गया है, ये पैच नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा है और प्रिंट भी इसका बेहद खूबसूरत है। ये भी टू पीस सूट है, यानी शर्ट और दुपट्टा। और इसके भी दामन और चाक पर सिर्फ पाइपिंग ही करवाई है, इस सूट को भी बहुत ज़्यादा लैस नहीं लगवाई गई क्योंकि इसका वैसे ही काफ़ी खूबसूरत प्रिंट है। लॉन की इस प्रिंटेड खूबसूरत शर्ट के साथ है सिल्क का दुपट्टा जो कि दो कलर में है, मैरून और ऑरेंज। मैरून और ऑरेंज कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और साथ हमने ये लगवाई है लैस दो तरह की। यहाँ पर जो सामने आपको दिखाई दे रही है मोती वाली लैस है जो कि मशीन से लगाई जाती है वो लगवाई है, और साइडों पर ये टसल वाली लैस है ये लगवाई है। ऑरेंज और मैरून कलर का बेहद खूबसूरत इसका सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा है और शर्ट का प्रिंट भी बेहद हसीन है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपने जितने भी ब्लैक कलर के प्रिंटेड सूट हैं वो दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।